हेलो फ्रेंड्स। तो बच्चों, मैं द क्लास ईएडी ग्रुप पर आप सभी का वेलकम करता हूं माय डियर। ठीक है, नॉन टेक एग्जाम के लिए आपके लिए स्पेशली द क्लास ईएडी ग्रुप चैनल है। ठीक है, जिस पे आपके नॉन टेक सभी एग्जाम को कवर करते हुए सारी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग, सारी प्रॉपर चल रही हैं, चाहे कंप्यूटर। तो बेटा, ये द क्लास ईएडी ग्रुप, ठीक है ना, तो इस पे सारी क्लास आपकी प्रॉपर चल रही हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ हमारा हिंदी का सेशन चल रहा था, तो हिंदी में हमारा क्या चल रहा था, व्यंजन चल रहा था। लास्ट क्लास में भी हमने व्यंजन पे छोड़ा था। ठीक है, तो माय डियर, व्यंजन की बात करूँगा तो व्यंजन में हमने इतना पढ़ लिया था, वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। यहाँ तक मतलब हमने पढ़ लिया था, जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। क्या यहाँ तक आपने माय डियर पढ़ लिया था? ठीक है, जितना आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, जितना लिखा हुआ है, क्लियर है? अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक बताना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है, जैसे अंतस्थ व्यंजन की बात करूँ तो अंतस्थ व्यंजन कितने थे? चार थे, यर अलव। अर्ध स्वर कितने थे बेटा? दो थे, य और वह। ऊष्म व्यंजन कितने थे? चार चार थे, तीन और स और एक हा। संयुक्त व्यंजन भी कितने थे बेटा? चार ही थे। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन कितने थे? चार। अब मैंने चय बताया, चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में वायु अंदर ही, ठीक है ना, जीभ पे घर्षण करती है, और अंतस्थ व्यंजन परंपरागत रूप से इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, मध्य होता है। ये वे को अर्धस्वर यानी कि ये यण संधि में, अयादि संधि में यूज होता है बेटा, और रे को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। रे को क्या? लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। ले को पार्श्विक व्यंजन क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकलती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है माय डियर। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखेंगे, मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं बेटा, तो यहां देखेंगे थोड़ा सा आगे। देखो, यह के उच्चारण के स्थान की बात करूं तो मैंने यह का लिख रखा है तालु से, या तालव्य भी बोल देते हैं हम, तालव्य भी बोल देते हैं, या फिर तालु बोल देते हैं बेटा, तालु बोल देते हैं। ठीक है, क्या? तालु। ठीक है, और ले और रे का, ले और रे के अगर उच्चारण स्थान की बात करूं तो माय डियर ये वसर्य या फिर दंत मूल भी बोल देते हो आप, या फिर सीधा सीधा मसूड़ा बोल दो भैया, मसूड़े से। ठीक है, ले और रे का जो उच्चारण स्थान होता है, दंत मूल या मसूड़ा या वसर्य, तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है, इन तीनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, ले और रे का वसर्य, दंतमूल या मसूड़ा, और ये का तालव्य से। फे और वे का, वैसे तो बेटा फे और वे का हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, व का उच्चारण स्थान भी पढ़ रखा है हमने, ठीक है ना, व का भी उच्चारण स्थान पढ़ रखा है। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान तो आपने पढ़ ही रखा है, पा फा बा भा मा, तो पे का फे का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओस होता है। ठीक है, अगर इन केस ऑप्शन में, ठीक है, वो पूछे फे का उच्चारण स्थान क्या होगा, अगर वहां पे ओस्ट ना दिया गया हो, होठ से ना दिया गया हो, तो क्या दिया गया होगा, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जानेंगे इस चीज को, तो फे और वे का जो उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट होता है। क्या होता है बेटा? दंतोष्ट होता है, दंतोष्ट है, बोले तो दांत प्लस ओस्ट से, दोनों के मिला के, फा फा फा, हल्का सा जीभ दांत में भी टच करती है और होठ में भी टच करती है, ऐसी वे में हल्का सा जीभ दांत में भी टच करती है और होठ में भी टच करती है, इसलिए दंतोष्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज तो बेटा फे का उच्चारण स्थान ओस्ट ही रहेगा, ठीक है, 90% इधर ही चलता है। इन केस अगर ओस्ट ना दिया और फे का उच्चारण स्थान पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे? दंतोष्ट लगाएंगे, तो फे और बे का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ट हो जाएगा। ले और रे का,
लर का दंत मूल मसूड़ा या वसर्य हो जाएगा, ये का तालव्य या तालु से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं माय डियर ऊष्म व्यंजन की, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन की बात करता हूं बेटा। तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, किन के में, ऊष्म जो व्यंजन है आपके, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में। तो ऊष्म व्यंजन देखेंगे माय डियर कौन कौन से हैं, तो चार बताए थे मैंने, एक तो स सलजम वाला, एक षटकोण वाला स, एक सपेरा वाला स, एक है से हल, ये बताए थे मैंने चार। ठीक है, तो सलजम का मैंने इसका बताया था बेटा, इसका कहाँ से होता है, तालव्य से, या तालव्य बोल दोगे, तालव्य बोल दोगे या फिर तालु बोल दोगे या फिर तालु। षटकोण का बेटा मूर्धन्य से, इसका कहां से बेटा, मूर्धन्य से। ठीक है, स का बेटा दंत मूल से, कहां से, दंत मूल से। षटकोण का माय डियर बसर्य दंत मूल मसूड़ा से, ठीक है ना, यहां से दंत मूल बसर्य भी तो बोल देते हैं इसे, और किसका था, ऐसे करके याद रखो, रह ले का भी तो यहीं से था, सरल का, यानी कि सरल का कहां से होगा, दंत मूल मसूड़ा से होगा, स का सरल का हो जाएगा। ठीक है बेटा, है का होता है माय डियर कंठ से, काकल्य वर्ण बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, काकल्य वर्ण बोला जाता है, क्या, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, तो ये चारों क्लियर हो गए बेटा कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है, सारा क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई डाउट ही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो बेटा द्विगुण व्यंजन बचे आपके, द्विगुण व्यंजन आपके दो ही थे, कौन से, एक तो ये था, एक ये था, इनका उच्चारण कहाँ से होता है बेटा, मूर्धा से होता है, मूर्धा से, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है द्विगुण व्यंजन का, क्योंकि ट ड ड वाले में आते हैं, तो यहां भी इनका उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा से ही होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं इसे हटा दे रहा हूं, जितना ये नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट नोट नहीं करा तो बेटा इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो बेटा सारा साफ, सारे का सारा मैं अब एक साथ लिख देता हूं, ठीक है ना, सभी का पूरे का पूरा मैं एक साथ लिख देता हूं आपको, ठीक है, पूरे का पूरा मैं एक साथ लिख देता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा। देखो पहले कंठ से, कहां से, कंठ से, कंठ के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में, नहीं मूर्धा से पहले तो तालव्य आता है ना, तालव्य, फिर मूर्धा, फिर बेटा दंत्य, फिर बेटा ओष्ठ, फिर कंठ तालव्य,
कंट होस्ट है, कंट होस्ट है। फिर बेटा बसर है, मसूड़ा या दंतमूल है, बसर है या दंतमूल है मसूड़ा। फिर दंतोष्ट है, दंतोष्ट। बस ये उच्चारण स्थान है सारे, ये सारे के सारे आपके उच्चारण स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा कहाँ से बोला जाता है। सारे एक साथ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सारे एक साथ देखेंगे। तो पहले बेटा कंठ से देखेंगे, अगर मैं स्वर की बात करूं तो अ और आ, ये दोनों बोले जाते हैं स्वर में। ठीक है, एक अंगा भी आ जाता है, ये भी यहीं से बोला जाता है, और एक बेटा पूरा कै वर्ग भी तो यहीं से बोला जाता है, कै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग भी तो यहीं से बोला जाता है, क ख ग घ ड, क ख ग घ ड। ठीक, ठीक है भाई। तो ये हो गया बेटा, अब तालव्य से देखते हैं। तो तालव्य से माय डियर, एक तो स्वर की बात करूंगा तो ई छोटी ई और बड़ी, ठीक है ना। एक च वर्ग, च छ ज झ, अय्या। एक बेटा य और एक स, ये भी तो यहीं से बोले जाते हैं, यह और से भी तो यहीं से बोले जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा मूर्धा की। मूर्धा में स्वर की बात करूंगा तो एक री बोला जाता है, ये वाला बस। एक टै वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा। और एक बेटा षटकोण भी तो बोला जाता है मूर्धा से, षटकोण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन षटकोण भी तो बोला जाता है यहीं से। अब तैवर की बात करता हूं बच्चे, दंत से क्या बोला जाएगा, तैवर्ग। त था द धा और ना, ये बोला जाता है। अब ओष्ठ की बात करूं बेटा, ओष्ठ से स्वर की बात करूंगा तो ऊ और ऊ, ये बोला जाता है दोनों। ठीक है, और एक पूरा पै वर्ग बोला जाता है बेटा, प फ ब भा और माँ, ये बोला जाता है पूरा। ठीक है, अब मैं कंठ तालव्य की बात करता हूँ। तो कंठ तालव्य से याद आ रहा है दोनों ए, ये कंठोष्ठ की बात करता हूँ बेटा, याद आ रहा है औ, दोनों। बसर की बात करता हूँ बेटा, सरल, क्या सरल। और बेटा दंतोष्ठ की बात करता हूँ तो ब और फा, क्या ब और फा। क्लियर है बेटा, बा और फा, इतना क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करता हूं बेटा उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर, ठीक है, के आधार पर बच्चे। तो ये देखेंगे हम, तो देखो बेटा यहाँ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसे आधा कर लेता हूँ यहाँ से, ये यह आ जाएगा, और थोड़ा आधा कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या प्राण के की मात्रा के आधार पर, यहाँ देखेंगे उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, मुख से निकलने वाली वायु या प्राण के, वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर बेटा। ठीक है,
वायु या प्राण के आधार पर बेटा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है यहां तक? तो देखो बेटा, एक बनाओ डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। एक अल्प प्राण इसे बांटते हैं बेटा दो प्राण में, प्राण वायु के आधार पर इसे दो पार्ट में बांटते हैं हम, एक यहां और एक यहां बेटा। एक तो अल्प प्राण माय डियर, अल्प प्राण, एक बेटा महाप्राण। क्या? महाप्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण का मतलब क्या होगा बेटा, कम वायु निकलती है यहां पे, और महाप्राण का मतलब क्या होगा, ज्यादा वायु निकलती है यहां पे, ज्यादा वायु, ठीक है, ज्यादा वायु निकलती है, ठीक है। तो माय डियर यहां एक चीज देखेंगे, अगर मैं ये कहूं क ख ग घ ड, कचट तप, कचट तप, च छ ज झ ऐया, ट ठा ड ढ अड़, त था द न, प फ ब भ और म। बेटा ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है, हम पढ़ चुके हैं इन्हें। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कॉलम है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अल्प प्राण कौन से हैं, एक तीन और पांच, यानी कि एक तीन और पांच, ये कौन से हैं, अल्प प्राण है। महाप्राण की बात करूं बेटा तो बचे कौन से, दो और चार। दो और चार कौन से हो गए, महाप्राण। दो और चार महाप्राण हो गए, ये दो और चार बेटा महाप्राण हो गए, क्लियर है, दो और चार महाप्राण हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अंतस्थ व्यंजन, इसी में आ जाते हैं बेटा सारे, इसी में क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आएंगे माय डियर। कौन से, य र ल और व, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन भी बेटा इसी में आएंगे, और डे भी आए इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा बेटा डे, एक द्विगुण भी इसी में आता है, और बेटा इसी के अंदर सभी स्वर भी आते हैं, सभी स्वर भी यहीं आते हैं, ठीक है ना, सभी स्वर भी यहीं आएंगे। कौन से, जितने भी हैं, ए आ ई उ री ए ओ, सभी स्वर भी इधर ही आएंगे बेटा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी ऊष्म व्यंजन बेटा इधर आएंगे, ऊष्म व्यंजन इधर आएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, स षटकोण, सपेरा, हल, और एक द्विगुण बचा बेटा वो इधर ही आएगा, ठीक है ना। पूछेगा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कि अल्प प्राण कौन सा है, का अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक इधर आता है तो का अल्प प्राण हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। अब बेटा ये तो उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर थे, अब उच्चारण में कंपन जो होता है उसके आधार पर देखते हैं बेटा, उसके आधार पर देखते हैं। तो मैं इसे रब करता हूं इधर साइड से, तो इसे देखेंगे बेटा यहां से, उच्चारण करते समय कंपन के आधार पर, बेटा उच्चारण करते समय कंपन के आधार पर, ठीक है, कंपन के आधार पर, ठीक है। तो देखो
इससे भी बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक और दो, ठीक है। कंपन के आधार पर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बेटा अघोष होता है, एक क्या अघोष होता है, एक होता है बेटा सघोष। सघोष भी बोल सकते हैं इसे, और घोष भी बोलते हैं बेटा, क्या घोष भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे कंपन नहीं होता, अघोष में कंपन नहीं होता है। यहां पे लिखेंगे बेटा कंपन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, कंपन होता है, ठीक है ना। जिन वर्णों का आप उच्चारण करते हो उन्हें बोलने में अगर कंपन हो रहा है तो वो सघोष हो गए, और जिन वर्णों का उच्चारण आप कर रहे हो अगर कंपन नहीं हो रहा तो वो अघोष हो गए बेटा। क्या हो गए? अघोष हो गए। तो माय डियर आपको पता है क ख ग घ कचट तप, क्या कचट तप, च छ ज झ ऐ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म, ठीक है बेटा। ये आपको पता है, ये तो हमने पढ़ लिए हैं, याद भी। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, कितने हो गए बेटा? पांच कॉलम हो गए, ठीक है। कितने हो गए? पांच कॉलम हो गए माय डियर, ठीक ठीक है बच्चों। तो बेटा अघोष कंपन नहीं होता यहाँ पे, क्या कंपन नहीं होता। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं माय डियर? एक तो पहला आ जाता है, दूसरा आ जाता है, और बेटा तीनों से आ जाते, तीनों ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, तीनों से आ जाते हैं इधर ही, ठीक है, ठीक है ना। तीनों से आ जाते हैं। इधर क्या आएगा बेटा? इधर तीन चार पांच आएगा, और अंतस्थ व्यंजन आएंगे बेटा, क्या अंतस्थ व्यंजन आएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से माय डियर? य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए चार, ठीक है। ऊष्म व्यंजन ये हो गए, अंतस्थ व्यंजन वो हो गए, और बेटा हा आएगा और दोनों द्विगुण, हा ये भी आ गया और दोनों द्विगुण आ गए बेटा यहाँ पे, और माय डियर सभी स्वर आ जाएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे? सभी स्वर भी इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बेटा वर्णमाला का पूरे का पूरा पोस्टमार्टम हो गया है, आपका स्वर और व्यंजन का पूरा पूरा ऑपरेशन हमने कर दिया है। तो आपके लिए होमवर्क ये है, कमेंट में आपको ये होमवर्क डालना है बेटा, ठीक है ना। मैं आपको दे रहा हूं कि ख की ना क की कर लो बेटा, क की छह गुण बताने हैं इसके, क के छह गुण बताने हैं, और ऐसे ही बेटा फ के छह गुण बताने हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके डालना है माय डियर, कमेंट बॉक्स में आंसर करके डालना है बेटा। तो ये था आपका व्यंजन था, तो स्वर और व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी मात्राएं बताई हैं मैंने। मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि संधि को हमें आगे चल के देखना है। तो बेटा द क्लास ईएडी ग्रुप पे आपकी नॉन टेक की सारी क्लासेस चल रही हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल करेंगे बेटा, और वीडियो को भी शेयर करेंगे द क्लास ईएडी ग्रुप करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।